कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर अयोध्या वालों, मतलब तुम एंटी हिंदू हो। नमस्कार दोस्तों, चुनाव तो खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों अभी 400 पार नहीं हुआ यार। और दूसरी बात, आज 5 जून हो गया, वो लोग मुझे नहीं दिख रहे जो कह रहे थे 4 जून बाद तुम्हें बताएंगे, 4 जून बाद तुम्हें देख लेंगे, 4 जून के बाद देखना तू रोएगा, 4 जून के बाद देखना ये होगा। मैं तो हंस रहा हूँ, वाह मित्रों, तो 400 पार वाले मित्रों, और ना ही बोलते थे ना 4 जून के बाद देख लेंगे। और हाँ, दूसरी तरफ हमारी गोदी मीडिया कौन से पल्लू में ढकी है, वो तो 350 370 400 पार करा रही थी। और दूसरी बात, इतने बड़े बड़े महामानव ज्ञानी, मतलब चुनाव खुलने से एक दिन पहले 3 जून को एग्जिट पोल की मतलब ऐसे सीढ़ियां बांध रहे थे जैसे मानो कि उनको किसी मतलब दिव्य शक्ति ने भेजा। सॉरी भूल गया यार, मतलब दिव्य शक्ति ने तो भेजा है, सॉरी। लेकिन यार मुझे भाई अब पता चला कि ये एग्जिट पोल का बवंडर इसलिए बना रहे ताकि मित्रों को शेयर मार्केट में भारी मुनाफा हो। तो भाई चुनाव का माहौल आज गांव में भी बता दे रहा हूँ, मेरे गांव में क्या हाल था आज की रात, मतलब 4 जून की रात में। मतलब यार हमारे यहाँ भी दो पार्टियाँ थी, सपा और बीजेपी। तो भाई जाहिर सी बात है बीजेपी जीती थी, तो लोगों ने डीजे मीजे मतलब खूब आतिशबाजियाँ गोले पटाखे खूब छुटाए थे। तो शाम को तो यार मैं थक गया था, क्योंकि यार मैं पिछले 2-3 दिनों से यार थोड़ा घर पर काम चल रहा है, जो भाई जुड़ाई का समझते हैं ना, समझते हैं सब हैं यार, वही जुराई उराई का, तो मैं नहीं आया था। लेकिन अभी भी गांव में कोई नहीं दिख रहा, देख रहे हैं सब सूनी रास्ता पड़ी है, पीछे भी कोई नहीं दिख रहा है। तो भाई अभी रुको, स्टार्ट करा भाई, देखना भी 3-4 आदमी लगे हैं। ले जाग जाग भाई, गाड़ी धुल रही है अपनी, देख रहे हैं भाई। 2-3 दिनों से अभी बिजी मैं इसलिए रहा क्योंकि मैं अपने घर में ना स्विमिंग पूल बना दिया, मतलब यार स्विमिंग पूल ही है यार, देख रहे हैं पानी भर रहा है इसी में, सब पानी चल रहा है, मोटर इससे पानी भर रहा है भाई। यार पता कमरे में यार फर्श करवाना बहुत जरूरी था यार, यहाँ पे ना बालू मिट्टी थी तो खुद रही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो फर्श ही करवा देते हैं यार। एक कमरा और है, ये यूट्यूब वाला हमारा कमरा है, देख रहे हैं ये रखी है प्ले बटन, हमने कहा इसमें भी भर दें यार, क्योंकि तरी करना बहुत जरूरी है। जो अब तो क्लियर हो गया सबको कि मीडिया किस प्रकार का काम कर रही है, मतलब यार 10-20 सीट इधर उधर हो जाए उसकी वो नहीं कर कहता हूँ मैं। और फिर हाँ, अगर तुमने गलत बोला भी है, जो मीडिया चैनल्स हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए यार आम जनता से कि हाँ भाई गलती हो गई, लेकिन नहीं करे। लेकिन एक बंदा यार रो गया था, वो कौन है, एक्सिस बैंक वाला कौन है, वो तो रो लिया था भाई। और हाँ प्रशांत किशोर पता नहीं कहाँ है यार इस समय, वो भी बता रहे थे मैं गारंटी देता हूँ 400 सीटें ना आए, वो करण थापर के साथ नहीं जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो ऐसा नहीं यार, मतलब पहले ज़्यादा नहीं हाव भाव रखना चाहिए। और हाँ चलो आज दिन भर देखते हैं कहाँ क्या होता है, वैसे तो आज काम कुछ है नहीं मेरे पास, काम क्या यार 2-3 दिन काम लगातार हुआ लेकिन अब काम आज बंद है क्योंकि सीमेंट ख़त्म हो गई थी। तो भाई अभी हम शाम तक आपको बताते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा और दिखाते भी रहेंगे यार। तो भाई यार 6 बज चुका है, अभी भी कोई नतीजे नहीं आए हैं क्या हुआ क्या नहीं, और हाँ एक नतीजा तो आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सरकार मोदी सरकार नहीं होगी, ये एनडीए की सरकार होगी जो दो बैसाखियों पर यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चलेगी। तो भाई आपने सुना, मतलब जनता ने अब की बार ऐसा खेला है कि ना ही तो कांग्रेस को समझ में आ रहा कि खुशी मनाए कि गम मनाए, और ना ही तो समझ में आ रहा बीजेपी को, और इसमें नुकसान किसका हुआ है, हलवाइयों का, मतलब यार दोनों पार्टी में कोई खुशी मना ही नहीं रहा है। और हाँ सब लोग कहते थे कि नेता जनता को लड़ाती है, अब की बार जनता ने नेताओं को लड़ाया है, और ऐसा लड़ाया है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार, मतलब वाकई में यार अब की बार ये चुनाव है ना इस तरीके से लग रहा है जैसे, मान लिया यार मैं तो कभी सोचता हूँ कि इतना तो अच्छा
मजा कपिल शर्मा शो देखने में नहीं आता जितना मजा अभी इस समय चुनाव का नतीजे, चुनाव का माहौल देखने में मजा आ रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं फिर क्या होता है कल तक। लेकिन भाई यार इसी बीच कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर अयोध्या वासियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब उल्ट पटांग बातें बोल रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, इनको राम नहीं चाहिए, मतलब वगैरह वगैरह की बातें मैं आज सुबह से देख रहा था फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक्स पे। तो यार ये वही नफरती चिंटू हैं जो आपस में नफरत फैलाते हैं। अरे क्या तुम्हें पता है, तुम कैसे तय कर सकते हो कि उनको राम भक्त नहीं, वो राम भक्त नहीं है, उनको राम से प्यार नहीं, कैसे तय कर सकते हो? उनकी कभी आपने प्रॉब्लम समझी है? नहीं समझी है, बस ऐसे ज्ञान देना ऊपर से। अच्छा अयोध्या वासियों तुमने वोट नहीं दिया बीजेपी को, इसका मतलब तुम एंटी हिंदू हो? ऐसा नहीं है। चलो कोई नहीं यार, अपना तो काम चल रहा है भाई, दिखाएं। अभी हम आ गए हैं खेत, देख रहे मूंगफली जबरदस्त खड़ी है। ये देख रहे बाद में हमने बोई थी गेहूं काट के। और हाँ, रुको दिखा दे भैया यार कुछ उनका लोगों के यहाँ और जो ऑर्गेनिक की मांग करते। रुको, हाँ चाचा दिखाओ कहाँ है, मैं दिखाओ, हाथ में लेके दिखाओ, हाथ में लेके दिखाओ, ऑर्गेनिक है ना? तो भाई कुछ ऑर्गेनिक खाने वालों से देख लो कि जब ऑर्गेनिक सरकार नहीं बन रही तो ऑर्गेनिक फूड कहाँ से मिलेगा यार। मतलब यार, और हाँ, मोदी जी की फोटो भी इसमें है यार। दिखाओ। अरे क्या हट गई क्या? नहीं है यार, नहीं है भाई। यार सारा कुछ कर लिया यार, मतलब दिन भर राजनीतिक की बातें कर ली हैं, लेकिन यार अब ना थोड़ा किसानी की बातें करते हैं। देख रहे भाई मूंगफली ये बैठ रही हैं, हमने ये बाद में गेहूं काट के तब बोई थी, देख रहे हैं अभी कच्ची हैं। तो भाई ये मक्का देख रहे हैं, हमारी नहीं है, हमारे बगल वाले पड़ोसी के लिए है, वो काट कर भुट्टा उट्टा लेके घर चला गया है। खाली है कटी कटाई है, ठठिया छोड़ी गए भाई, देख रहे हो। और ये पखना परे हैं यार, बड़े गजब होते हैं। हम कहीं मूँगफली भूंजिए यार राम जी, देख लो बुलेट वाला तार कहाँ है यार, चबवा यार भाई, देख रहे हो ये कहाँ है, ऑर्गेनिक देसी और घर की भुनी हुई मक्का मुर्की चबाओगे, लेकिन बहुत लोगों का मन कर रहा होगा भाई। यार मजा आ रही है, ये राम जी की मकाई है भाई, बाली करी है यार, देख रहे भाई। तो वाह यार ये बताए आप कहा मरा है, खाद गिर हाथ से दही हुआ है, चारा ले आई रही लड़की, ये देखो सीधे पैर सीधे कहाँ, इंडी के गठबंधन के नेता के उनके वो है घर में, अरे घर में कह रहे शायद नहीं है फिल्टियर भाई, पता सतवा के रही पार आ चुके हैं, और कहे मारे हैं अभी देख रहा है वो चारा ले जाती रहे, तो हमको भी ऑफर मिला रहा है कल कि हमारे खेत तेरे चारा काट ले जाए, बजरा बहुत है ज़्यादा, तो हमने कही हमू काट ले, कहा है चारा बचाओगे ना इतनी कहो आए, हाँ दरती है चाची कहती ना ककड़ी दिखा देता हूँ, देखे तो वही दिखा दे चाची दिखा दे, हम ककड़ी शर्माई गई भाई बांधने के लिए कसारी देसी जुगाड़। तो भाई चलो आओ, अरे जो ये है चलो, मोदी सरकार को अच्छी नहीं थी, अब भाई आ गया है यार चारा भाई, पता अब सुबह रहे बाबा रामदेव का योगा इसी में होगा, मशीन में काटेंगे हाँ। और आओ कहा भैया कहाँ चलाने रहा आज
तो भाई यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आ बाय।